भारत में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन के लिए पहले प्रतिशत के आधार पर छात्र एडमिशन ले पाते थे कि 12th में कितना प्रतिशत है, उसमें मेरिट के आधार पर उन्हें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में दाखिला मिल जाता था। लेकिन इस वर्ष से सरकार के द्वारा जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें भर्ती के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा एक परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि परीक्षा का पैटर्न कैसे रहेगा और आप अपने सब्जेक्ट्स का चयन कैसे कर पाएंगे और इस परीक्षा के लिए फॉर्म कैसे भर पाएंगे। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप लोगों को, और आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और आप इस परीक्षा में कैसे सफल हो सकते हैं। मैंने इसके लिए अप्लाई करने के लिए एक अलग वीडियो बनाया हुआ है प्रोसीजर के लिए, तो नीचे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है। साथ ही इससे संबंधित जितने भी लिंक हैं, समर्थ पोर्टल है, सब आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। क्योंकि यह परीक्षा पहली बार आयोजित हो रही है इसलिए लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है और इस पैटर्न को समझने की भी ज़रूरत है। तो बच्चों की इस समस्याओं को ध्यान में रखकर और पेरेंट्स की समस्याओं को ध्यान में रखकर मैंने इसे बहुत ही सरल भाषा में, सरल हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक नोटिस CUET UG 2022 दिनांक 26 मार्च 2022, 26 मार्च 2022 को यह अधिसूचना जारी की गई है। इसका विषय है कंडक्ट ऑफ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2022 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। मतलब अकादमिक सत्र जो है, शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, भारत में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें एडमिशन के लिए। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इज इस्टेब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले इसे जाना जाता था नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किसने की है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन की गई है, जिसको पहले हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे। यह एक स्वायत्त शासी संगठन है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी है सरकार की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन एंथ्रस्टेड, मतलब जिम्मेदारी सौंपी गई है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शैक्षिक सत्र 2022-23 में एडमिशन के लिए, प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करे। CUET विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। इसमें एक ही परीक्षा के माध्यम से, एक सिंगल विंडो के माध्यम से इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें प्रवेश के लिए छात्रों को अवसर मिलेगा। मतलब एक सिंगल विंडो सिस्टम है, इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कहीं भी आपको एडमिशन लेना है तो इसी परीक्षा के माध्यम से, एक सिंगल विंडो के माध्यम से आप प्रवेश ले सकते हैं। आप इसे अंत तक जरूर देखें, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, और कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। द CUET UG है ना, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, या स्नातक स्तर की परीक्षा, स्नातक स्तर के कोर्सेज के लिए, BA BSc BCom एटसेट्रा। द CUET UG 2022 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा ऑनलाइन। द एस्पिरेंट्स हु डिजायर टू अपियर फॉर द टेस्ट मे रिफर टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ द डिजायर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन इन टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। जो विद्यार्थी जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं वह वहाँ जाकर वहाँ के जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि वे जिस विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ वह उपलब्ध है कि नहीं।
है ना, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर आपको उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखना है, यह ध्यान में रखें। इसके बाद द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट। अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के द्वारा अलग अलग कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको उस पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की के वेबसाइट पर जाकर देखना है कि वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, कि आप जिस कोर्स में अवेलेबल एडमिशन लेना चाहते हैं वह वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है, तो वहाँ पर आप जाकर जरूर देख लीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल ओपन फ्रॉम 2/4/2022। यह जो पोर्टल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए वह चालू हो चुका है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यह 2 अप्रैल 2022 से यह चालू है ना। द लिंक फॉर द सेम विल बी मेड अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यह समर्थ है ना, HTTP:// samarth.ac.in, यहाँ पर जाकर आप इसका आपको लिंक मिल जाएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, नहीं तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं HTTPS है ना, इसके बाद कॉलन /CUET.samarth.ac.in पर जाकर भी आपको यह लिंक मिल जाएगा, और यह 2 अप्रैल 2022 से चालू है। कैंडिडेट्स हु विश टू अपियर फॉर CUET UG 2022 आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज फॉर सिलेक्टिंग द ऑप्शन फ्रॉम यूजी प्रोग्राम्स बींग ऑफर्ड। अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो ग्रेजुएशन के जो कोर्सेस हैं, जो स्नातक के कोर्सेस हैं, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप वहां पर जाकर देख लें कि आप उसके पात्र हैं कि नहीं। जो कोर्स आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त शैक्षिक अर्हता है कि नहीं, और भी जो जरूरी जो आवश्यक योग्यता है वह है कि नहीं, मतलब आपको अपनी पात्रता जाकर वहां पर देखनी है कि आप वह फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं उस पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। द एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 30 अप्रैल को यह बंद हो जाएगा प्रक्रिया, यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी 30 अप्रैल 2022 को, तो आपके लिए लास्ट डेट है 30/4/2022, यह है आपके लिए लास्ट डेट। ये 30 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद यह पोर्टल बंद हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखें आप। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि यह परीक्षा पहली बार आयोजित हो रही है, इसलिए सभी माता पिता और सभी बच्चों में एक जिज्ञासा है, एक कौतूहल का विषय है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस परीक्षा से आपको बहुत फायदा है। पहले जिन बच्चों का 12th में परसेंटेज बहुत अच्छा रहता था, उनको जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते थे वहाँ पर एडमिशन ले लेते थे और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता था, लेकिन अब 12th के मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अगर आपका परसेंटेज अच्छा आता है तो आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, तो इसके लिए आप बहुत ही गंभीरता से तैयारी करिए। जहाँ तक सिलेबस की बात है इस परीक्षा की, तो 12th के स्टैंडर्ड के लेवल का सिलेबस रहेगा, और NCERT की किताबों में, 12th की NCERT के किताबों में जो विभिन्न विषयों के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, वही वहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी स्तर का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा। एग्जामिनेशन का पैटर्न हम देखते हैं। CUET UG 2022 विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शंस। इस एंट्रेंस एग्जाम में CUET UG 2022 में 4 भाग रहेंगे, 4 सेक्शंस रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें सेक्शन ए क्या रहेगा, सेक्शन 1A। सेक्शन 1 2 भागों में विभाजित रहेगा, 1A और 1B। 1A में रहेंगे 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1A में रहेंगे 13 लैंग्वेजेस जिनमें से आप किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। सेक्शन B में रहेंगे 20 लैंग्वेजेस, सेक्शन B भी है यहाँ पर 20 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन दोनों सेक्शंस को मिलाकर आप अधिकतम 3 भाषाओं का चयन कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन आगे मैं और बताऊंगा डिटेल में। सेक्शन 2 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सेक्शन 2 में जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप, जिस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे ऑनर्स कोर्स है
मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इनको बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, है ना। बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स या बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स संस्कृत, तो ये सारे डोमेन स्पेसिफिक, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, तो 27 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। सेक्शन थर्ड है जनरल टेस्ट। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जनरल टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जनरल टेस्ट हो गया सेक्शन थ्री। आइए हम एग्जामिनेशन का पैटर्न देखते हैं। चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, मतलब प्रत्येक सेक्शन से आप कोई चूज करें यह जरूरी नहीं है, बोल रहा है। यहाँ चार सेक्शंस हैं, प्रत्येक सेक्शन से आपको कुछ चूज करना है या यहाँ पर जरूरी नहीं है। चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर यूनिवर्सिटी, मतलब आपकी चॉइस इस बात पर निर्भर करेगी कि जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कोर्स के क्या रिक्वायरमेंट हैं, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर से ऑप्शंस चूज करना है। जो चार भाग दिए हैं, चार सेक्शंस, उसके आधार पर आपको अपने रिक्वायरमेंट और यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको ऑप्शंस चूज करना है, विकल्प का चयन करना है। ब्रॉड फीचर्स ऑफ सी यू ई टी यू जी 2022 आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर विस्तार से बताया गया है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। सेक्शन वन ए लैंग्वेजेस, सेक्शन वन दो भागों में विभाजित है, सेक्शन वन ए और वन बी। तो वन ए में क्या आएगा देखते हैं। सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर उपलब्ध है। देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन, मतलब सेक्शन वन ए में कुल 13 भाषाएं हैं, इनमें से किन्हीं भी भाषाओं का आप चयन कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं सेक्शन वन बी लैंग्वेजेस, सेक्शन वन बी भी लैंग्वेजेस का है। देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन वन ए में बी चूजन। यहाँ पर जो ऊपर जो 13 जो भाषाएं हैं ना, उनके अलावा उनको छोड़कर यहाँ पर 20 भाषाओं का विकल्प उपलब्ध है। वन ए में 13 भाषाओं का विकल्प उपलब्ध है और वन बी में 20 भाषाओं का विकल्प उपलब्ध है। लेकिन आपको दोनों मिलाकर, वन ए और वन बी दोनों में से जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे लैंग्वेजेस का, वह होगा मैक्सिमम 3। चाहे आप वन ए से दो दो सब्जेक्ट दो ले लीजिए भाषा, और वन बी से एक लैंग्वेज ले लीजिए, या फिर ऊपर से दो ले लीजिए और नीचे से एक ले लीजिए। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, चाहे सेक्शन वन ए हो चाहे सेक्शन वन बी हो, टोटल आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। जिन तीन भाषाओं का आपने चयन किया है अधिकतम, या जिन भी भाषाओं का आपने चयन किया है, तो क्वेश्चन पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। प्रत्येक भाषा में 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, 40 प्रश्नों का आपको जवाब देना है, और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। प्रत्येक भाषा में 50 में से 40 का उत्तर आपको देना है। क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, क्वेश्चन टाइप लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम अपठित गद्यांश बोलते हैं ना, पढ़ के समझना। किसी गद्यांश को हम पढ़ते हैं हिंदी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में होता है, संस्कृत में भी होता है अपठित गद्यांश, उसको आपको पढ़कर समझना है। बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, अलग अलग प्रकार के पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक, लिटररी मतलब साहित्यिक, नैरेटिव मतलब किसी घटना का वर्णन किया गया है, कोई कहानी दी गई है, लिटररी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। लिटररी मतलब कोई पोएम दे दिया गया, किसी राइटर का प्रोज आइटम दे दिया गया, कोई ऐसे दे दिया गया, और वोकैबुलरी शब्द ज्ञान कैसा है आपका। 45 मिनट्स पर ईच लैंग्वेज, प्रत्येक लैंग्वेज पेपर के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स। क्वेश्चंस आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं और समय आपको दिया जाएगा 45 मिनट्स, पर्याप्त तो समय है। और आप लोगों के लिए लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के ऊपर मैं अलग से यहाँ पर एपिसोड से लेकर आऊँगा, अपठित गद्यांश आप कर पाएंगे मेरे चैनल को देखने के बाद। तो ये जो वन ए और वन बी के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, जिसका आप अभ्यास करके और मेरे वीडियोस देखकर आप इस सेक्शन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखकर जरूर मुझे बताएं कि मेरा यह वीडियो कैसा लग रहा है। किसी भी प्रकार के जिज्ञासा और जानकारी के लिए संपर्क सूत्र यहाँ पर दिया है, हेल्पलाइन नंबर 9111140759000, और ईमेल दिया हुआ है सी यू ई टी
UG@NTA.ac.in है ना, एट डैश है CUET-UG@NTA.ac.in, या फिर इन वेबसाइटों पर जाकर आप देख सकते हैं। www.nta.ac.in ये वेबसाइट है, या फिर यह समर्थ का पोर्टल है https://cuet.samarth.ac.in, इसको आप जरूर विजिट करें, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है। अब हम देखते हैं, हम लैंग्वेज का पेपर देख चुके कैसा आएगा, अब आगे देखते हैं। सेक्शन टू डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस ऑनर्स कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे, जैसे बीए संस्कृत ले रहे हैं या फिर बीए संस्कृत ऑनर्स ले रहे हैं, ये बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो उसके लिए कैसा परीक्षा का पैटर्न रहेगा यह देखते हैं। पूरे सिलेबस का स्टैंडर्ड रहेगा 12th NCERT के बुक्स, 12th के NCERT के बुक्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बींग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन, आपको टोटल 27 सब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ पर, 27 सब्जेक्ट के विकल्प उपलब्ध हैं। अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ सिक्स डोमेन्स एज डिजायर्ड बाई द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज। जिस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप दाखिला लेना चाहते हैं, उनके द्वारा जो अपेक्षित है, उन डोमेन सब्जेक्ट्स में केवल 6 का ऑप्शन आपको मिलेगा। मतलब टोटल तो 27 आपको दिया हुआ है विकल्प, इसमें से आप केवल 6 का चयन कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा देखते हैं। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, यहां पर आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे परीक्षा में, लेकिन आपको हल करना है 40। 50 प्रश्न टोटल रहेंगे, टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा 50 में से आपको हल करना है 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, तो टोटल क्वेश्चन हो गया आपका 50। इनपुट टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब पहले से कोई इनपुट दे दिया रहेगा, पहले से कुछ आइटम आपको दे दिया रहेगा, उस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको चूज करना है। और कैसे रहेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुवैकल्पिक प्रश्न, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 10 सिलेबस ओनली। तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th का सिलेबस है ना, तो क्लास 12th का सिलेबस रहेगा, वो भी कौन सा सिलेबस रहेगा, जो एनसीईआरटी की किताबों में निर्धारित किया गया है, तो ये ध्यान में रखें आप, एनसीईआरटी के जो क्लास 12th की किताबें हैं, इसको आपको पढ़ना है, इसके लिए जो जिस भी सब्जेक्ट में आप दाखिला लेना चाहते हैं। इसके बाद 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, प्रत्येक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, इस 45 मिनट में आपको 40 प्रश्नों को हल करना है, और टोटल प्रश्न रहेंगे 50। सेक्शन थर्ड हम देखते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, और इसके बावजूद भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट, ये जो जनरल टेस्ट के बारे में क्या बताया गया, खास बात, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, वे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां पर एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट की आवश्यकता होती है, हो सकता है सब में जरूरी ना भी हो, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश लेना चाहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में, यदि वहां पर जनरल टेस्ट भी जरूरी है तो जनरल टेस्ट वहां पर होगा। और जनरल टेस्ट क्या होगा, तैयारी तो आपको इसकी भी करनी है, आपको सबकी तैयारी करनी है चारों भागों की। 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 75, आपको टोटल 60 क्वेश्चंस हल करने हैं आउट ऑफ 75, टोटल कितना हो गया आपका 75, टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 75, जिसमें से आपको हल करना है 75 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन हो गए और आपको हल करना है 60, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, 75 क्वेश्चंस में से आपको हल करना है 60 क्वेश्चन, तो ध्यान में रखें। इसके बाद कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर का तरीका, इनपुट टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, इनपुट में जैसे अपठित गद्यांश में पहले से कुछ दिया रहता है, वैसे इनपुट में आपको कुछ दिया रहेगा,
जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल दे दिया है और उस पर बेस्ड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से वो आपको करना है, मतलब कुछ डेटा आपको पहले से दिया रहेगा उसके आधार पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये रहेगा बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसके बाद जनरल नॉलेज के प्रश्न रहेंगे, सारे 12th स्टैंडर्ड के रहेंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता, जैसे चित्र वगैरह वाला आता है कि इसके बाद अगला चित्र कौन सा होगा, बॉक्स वाला, त्रिभुज वाला, इसके बाद अगला अंक कौन होगा, इस टाइप का। न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंकों से संबंधित कि एक सीरीज दे दिया गया है, इस सीरीज में अगला क्या होगा, इस टाइप का। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, एरिथमेटिक, एलजेब्रा, बीज गणित, अंक गणित, जियोमेट्री, है ना, जियोमेट्री मतलब रेखा गणित, और मेंसुरेशंस, परिमाप वगैरह है जैसे परिधि है, ये सबको बोलते हैं मेंसुरेशंस, है ना, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग, स्क्वायर, पैरामीटर, ये सारे इसमें आएंगे। जियोमेट्री, मेंसुरेशंस, स्टेट्स, टॉट टिल ग्रेड एट, तो ये जो आएंगे ये आएंगे स्टैंडर्ड 8 तक के आएंगे बोल रहा है ना, टॉट टिल ग्रेड 8। तो ये जो मैं इस पर सिंपल एप्लीकेशन ऑन मैथ्स है, सिंपल एप्लीकेशन जो आएगा मैथ्स में वह 8th स्टैंडर्ड तक आएगा। आप 8th के स्टैंडर्ड तक जो पढ़े हुए हैं सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टेटिस्टिक्स, टॉट टिल ग्रेड 8। तो क्लास 8th तक की किताबों से ही वाले आएंगे, मैथमेटिक्स वाले, तो ये ध्यान में रखें क्लास 8th। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, है ना, जैसे आपको कोई पैराग्राफ दे दिया या आपको कोई बार ग्राफ दे दिया, कोई डायग्राम दे दिया गया, इस टाइप के एनालिटिकल रीजनिंग आप एनालिटिक कैसे कर सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। 60 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, एक घंटे का समय दिया जाएगा, 60 मिनट, 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 75, बहुत ही आसान है। आप मेहनत करेंगे तो अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाएंगे और मेरा यह प्रयास सार्थक होगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अपने पसंदीदा जगह पर एडमिशन ले पाएंगे। लैंग्वेजेस, अब आपने देखा कि 1A जो है ना, लैंग्वेज का 1A वाला जो पार्ट है वहाँ पर 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं। 13 लैंग्वेजेस में क्या क्या हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, यह 13 भाषाएं हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 भाषाएं हैं 1A वाले पेपर में। और 1B वाले पेपर में क्या क्या हैं, 20 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, पर्शियन मतलब पारसी, इटालियन, अरेबिक और सिंधी, अरबिक मतलब अरबी, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, है ना, इसके बाद मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, तिब्बती भाषा, जापानीज, रशियन, चाइनीज, ये 20 लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद नीचे क्या है, लेकिन इन जो भाषाएं दी गई हैं 20 और 33 लैंग्वेजेस यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, इसमें से आप टोटल दोनों ऊपर नीचे मिलाकर 3 को ऑप्शंस ले सकते हैं, 3 विकल्पों का चयन कर सकते हैं। अब जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जिसमें ऑनर्स कोर्स करेंगे या फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके पास हैं 27, है ना, 27 आपके पास हैं। क्या क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको उपलब्ध हैं, आप देखते हैं क्या क्या है। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, एनवायरनमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन,
एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स में आएंगे स्कल्पचर, पेंटिंग, कॉमर्शियल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ड्रामा, थिएटर, म्यूजिक। म्यूजिक में आएंगे जनरल म्यूजिक, हिंदुस्तानी, कार्नाटिक, कर्नाटिक, रविंद्र संगीत, पर्क्यूशन, नॉन पर्क्यूशन। और 27वां बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कृत। अभी संस्कृत का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो संस्कृत में क्या है देखिए, नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है संस्कृत भाषा के लिए ना, संस्कृत वालों के लिए है ये। फॉर ऑल शास्त्री, शास्त्री कोर्स, शास्त्री कोर्स मतलब शास्त्री 3 ईयर्स का एक होता है शास्त्री कोर्स, और एक होता है 4 ईयर्स ऑनर्स। शास्त्री में 2 कोर्स होते हैं, एक जनरल शास्त्री होता है 3 साल का, और एक होता है 4 साल का ऑनर्स शास्त्री में। ये किसके इक्विवेलेंट होता है? टू बीए और बीए ऑनर्स कोर्सेस। 3 साल का जो संस्कृत का कोर्स है वो बीए संस्कृत कहलाएगा, उसके बराबर है, और 4 साल का जो ऑनर्स कोर्स है वह कहलाएगा बीए ऑनर्स संस्कृत। तो यह इक्विवेलेंट कोर्सेस है। अब इसमें क्या क्या आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट से देखते हैं, शास्त्री निवेदा, पौरोहित है ना, कर्म कांड पुरोहित जो करते हैं, धर्मशास्त्र, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, साहित्य, पुराण इतिहास, पुराण इतिहास, प्राकृत भाषा, प्राचीन नव, प्राचीन न्याय वैशेषिक, सांख्य योगा, जैन दर्शन, मीमांसा, अद्वैत, वेदांत, विशिष्ट, विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट द्वैत वेदांत, सर्य दर्शन। ए कैंडिडेट में चूज संस्कृत एज द डोमेन, एक संस्कृत भाषा को भी आप डोमेन के रूप में चूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, फॉर दोज हु आर राइटिंग संस्कृत एज अ डोमेन सब्जेक्ट इन सेक्शन 2, 1B में अगर कोई डोमेन सब्जेक्ट के रूप में संस्कृत का चयन करता है तो उसका पेपर कैसा रहेगा। इन सेक्शन 2 संस्कृत पेपर इन सेक्शन 1, 1B में जो सेक्शन संस्कृत का जो पेपर है वह कैसा होगा। फॉर दोज हु आर राइटिंग संस्कृत एज अ डोमेन सब्जेक्ट इन सेक्शन 2 में यदि आप जैसे एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे संस्कृत में आप ऑनर्स कोर्स करना चाहते हैं या फिर संस्कृत में बीए करना चाहते हैं, तो क्या होगा, संस्कृत पेपर इन सेक्शन 1B विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग देयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो उसके लिए आपको अलग से परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1B में जो संस्कृत का पेपर है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। तो 1B विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग देयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 1B में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा वहीं से आपकी योग्यता की परीक्षा की जाएगी, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। संस्कृत में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फैक्चुअल पैसेज आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक, लिटररी, साहित्यिक, नैरेटिव जिसमें किसी घटना का वर्णन होता है या फिर कहानी वगैरह दिया जा रहा है, लिटररी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। इसमें आपका परीक्षण यह किया जाएगा कि आप संस्कृत साहित्य की कितनी समझ रखते हैं और आपका वर्ड पावर कैसा है ना, कितने शब्दों को जानते हैं, कितना वर्ड पावर है संस्कृत में आपका। अभी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं और सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं। इनमें से आप टोटल 3 लैंग्वेजेस का चयन कर सकते हैं टेकन टूगेदर, मतलब आपके पास 13 और +20 आपके पास टोटल लैंग्वेज हो गए 33 लैंग्वेजेस में केवल 3 का ही चयन कर सकते हैं। हाउएवर द थर्ड लैंग्वेज चूजन नीड्स टू बी इन लिए ऑफ 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। लेकिन अगर आप 3 लैंग्वेजेस का चयन कर लेते हैं तो आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते, 5 का ही कर पाएंगे। आगे देखते हैं, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन्स 9 मल्ली। टोटल 9 टेस्ट आपको देने हैं, जैसे 2 लैंग्वेजेस +6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट +1 जनरल टेस्ट। आप कैसे भी चयन करिए आप अधिकतम 9 पेपर आपको देना है। जैसे कि 2 भाषा आपने ले लिया 1A और 1B से, या फिर 1 में से 2 भाषा आपने ले लिया, फिर 6 डोमेन सब्जेक्ट बच जाते हैं आपके पास। आप समझ पा रहे हैं,
यदि आप केवल दो लैंग्वेज लेते हैं, चाहे आप 1A से दो लैंग्वेज ले लीजिए, चाहे 1B से दो लैंग्वेज ले लीजिए, या फिर 1A से एक लैंग्वेज ले लीजिए या 1B से एक लैंग्वेज ले लीजिए, दो लैंग्वेज आप लेते हैं तब आपको 6 डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन 2 में मिलेंगे और एक जनरल टेस्ट, कुल मिलाकर 3 लैंग्वेजेस आपको मिलेंगे। एक पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सेकंड सेक्शन में से आप 5 सब्जेक्ट्स का चयन कर लीजिए डोमेन स्पेसिफिक के लिए, और इसके बाद आप क्या ले सकते हैं, 3 लैंग्वेजेस ले सकते हैं, है ना। यदि आप 3 लैंग्वेज का चयन करते हैं तो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वहां आप 6 नहीं ले पाएंगे। अगर आप 3 लैंग्वेजेस का चयन कर रहे हैं, अगर आप 3 लैंग्वेज का चयन कर रहे हैं 1A और 1B से मिलाकर, 1A और 1B दोनों में 33 लैंग्वेजेस हैं, अगर आप 1A और 1B दोनों को मिलाकर 3 लैंग्वेजेस का चयन कर रहे हैं तो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जहाँ पर 27 सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर आप केवल 5 को चूज कर सकते हैं। 3 लैंग्वेज प्लस 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और प्लस 1 जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है, जनरल टेस्ट दोनों में शामिल। तो आप समझ गए होंगे, या फिर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, या कोई आप नहीं समझ पाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं समझा दूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू हेल्प अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर मेनी यूनिवर्सिटीज डिपेंडिंग ऑन देयर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज के द्वारा आपको छूट भी दी जा सकती है, यह डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस के ऊपर। सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट, सेक्शन 2 में टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट्स हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। जो 27 सब्जेक्ट हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो आप 27 में से 6 का चयन कर सकते हैं, लेकिन यदि 6 का यहाँ पर चयन करते हैं तो लैंग्वेज आप 2 ले पाएंगे, यदि यहाँ पर 5 का चयन करते हैं तो लैंग्वेज आप 3 ले पाएंगे। और ये व्यासंपर्क सूत्र का पता आपको बता चुका हूँ ऊपर, तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, मैं नीचे वेब उसमें आपका उसमें भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं सेक्शन थर्ड, सेक्शन थर्ड में क्या आएगा, इसको कंपलसरी ही है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड कंप्राइजेज जनरल टेस्ट, जनरल टाइप का टेस्ट होगा। ये कैसा होगा, फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3, द कैंडिडेट मस्ट रिफर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज आर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। इन सब का चयन करने के लिए आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेना चाहते हैं, जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनमें आप जाकर उनके जो पोर्टल है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन वहाँ पर जो होगा सूचना दी गई होगी वहाँ पर आप आपको देखिए कि आपको कैसे चूज करना है सब्जेक्ट्स। अब मोड ऑफ द टेस्ट, परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में यह संभावित है परीक्षा। मोड ऑफ टेस्ट क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, कोई प्रश्न दे दिया जाएगा आपको, 4 या 5 विकल्प दे दिए जाएंगे उसमें से आपको चयन करना है। आप ये ध्यान में रखिएगा, अभी तक यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी, है ना, अभी तक तो यह नहीं लिखा है, बाद में कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो हमको पता चलेगा। और अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तब आप प्रत्येक प्रश्न को जरूर अटेम्प्ट करें, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है, तो आप किसी भी प्रश्न को मत छोड़िए, सारे प्रश्नों को हल करिए। हाँ, अगर निगेटिव मार्किंग होती है तब आपको सोच समझ कर एग्जाम देना पड़ेगा, अभी कोई इस बारे में बताया नहीं गया है। परीक्षा का माध्यम क्या होगा, परीक्षा किस भाषा में ली जाएगी, परीक्षा का माध्यम भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, परीक्षा का माध्यम क्या होगा आइए देखते हैं हम, परीक्षा का माध्यम क्या होगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे विकल्प आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, परीक्षा का मीडियम 13 लैंग्वेजेस में परीक्षा ली जाएगी, यह परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा कंप्यूटर पर वह 13 भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। इसके बाद सेक्शन 1 और 1A और 1B जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें और कुछ खास जानकारी दी गई है,
लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब अपठित गद्यांश, इसके द्वारा आपके लैंग्वेज की टेस्ट ली जाएगी, परीक्षा ली जाएगी। बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल कुछ तथ्य दिया रहेगा। लिटररी कुछ साहित्यिक सामग्री दी जाएगी। नैरेटिव कोई कहानी दी जाएगी या फिर कोई किसी घटना का वर्णन रहेगा, किसी स्थान का वर्णन रहेगा। नैरेटिव नरेशन कुछ नैरेट किया जाएगा। और इसमें क्या टेस्ट किया जाएगा, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, मतलब आपकी कितनी समझ सकते हैं, आप साहित्य को कितना समझ सकते हैं और वर्ड पावर कितना है, इसकी टेस्टिंग की जाएगी। और लैंग्वेजेस के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखें, तब बहुत ही आसानी से आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, है ना। मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सब सफल हों। सिलेबस कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा देखते हैं। सेक्शन 2 एज पर एनसीईआरटी मॉडल सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली। जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं 27, उसका सिलेबस रहेगा क्लास 12th स्टैंडर्ड का। और क्लास 12th की एनसीईआरटी की किताबों में जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया गया है, एनसीईआरटी क्लास 12th की किताबों में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसी स्तर के प्रश्न रहेंगे, वहीं से प्रश्न आएंगे। सेक्शन 3 जनरल नॉलेज, सेक्शन 3 है आपको जनरल टाइप जो पेपर होने वाला है ना, जनरल टेस्ट, उसमें कैसे प्रश्न आएंगे। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाएं, जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य गणितीय योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी संख्यात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव संख्यात्मक क्वांटिटेटिव रीजनिंग संख्यात्मक तर्कशास्त्र, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सामान्य गणितीय अवधारणाएं, अरिथमेटिक एंड एलजेब्रा बीज गणित और अंकगणित, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब होता है ज्यामिति, मेंसुरेशंस मतलब क्षेत्रफल परिमिति परिमाप इत्यादि आते हैं इसमें, स्टैटिस्टिक्स टॉट टिल ग्रेड 8। तो ये जो जनरल में जो अरिथमेटिक एलजेब्रा वगैरह के जो प्रश्न आएंगे ना, ये 8th स्टैंडर्ड के आएंगे, क्लास 8th स्टैंडर्ड के आएंगे, यहाँ पर लिखा है ग्रेड 8, ग्रेड 8। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग मतलब आप चीजों को कितना समझ पाते हैं, कितना लॉजिक लगा सकते हैं, ये सब आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन। तो ये यहाँ पर पोर्टल का पता दिया है, मैं वहाँ पर भी आपको दे दूंगा जहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन करना है। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट https, ये देखिए कॉलन /cuet.samarth.ac.in, अवेलेबल फ्रॉम 2/4/2022 से 2 अप्रैल से अवेलेबल है, और यह 30 तारीख को समाप्त हो रहा है, 30 अप्रैल है इसका लास्ट डेट, 30 अप्रैल तक यह खुला रहेगा, तो आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। अब लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर सीयूईटी यूजी 2022, ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली, क्लास 12th ओनली। स्टूडेंट्स हैविंग स्टडीड क्लास 12th बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन सीयूईटी यूजी 2022। सारे प्रश्नों का स्तर, कुछ चीजों को छोड़कर जो क्लास 8th लेवल पर आएंगे, जनरल मैथमेटिक्स जो है उसको छोड़कर जो सिलेबस रहेगा, वह पूरा सिलेबस क्लास 12th एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेगा। मतलब जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th पास कर रहे हैं, उन्हीं के स्तर की यह परीक्षा होगी, है ना, और एनसीईआरटी उसका बेंचमार्क रहेगा। एनसीईआरटी किताबों को जरूर पढ़ें आप, है ना, 12th तक का, 12th का ही लेवल ऑफ क्लास 12th वाली बोल रहा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने अवसर मिलेंगे आपको, देखिए इस परीक्षा के लिए कितने अवसर मिलेंगे। इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12th, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12th टू टेक एडमिशन इन द करेंट ईयर ऑल्सो, सच स्टूडेंट वुड ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2022। अभी जो पास करने वाले हैं 12th, उनके लिए तो यह एग्जाम है, लेकिन यदि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो उन छात्रों को भी अवसर दे रहे हैं एडमिशन लेने का जिन्होंने पिछले साल 12वीं की परीक्षा पास की है, अभी जैसे 2021-22 में आप लोग पास कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 2020-21 में पास किया है, 2020-21 में जो पास किए हैं पिछले साल, उनको भी यहाँ पर यदि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अवसर दे रहे हैं तो वे यहाँ पर परीक्षा के लिए पात्र होंगे, वे यहाँ पर एग्जाम दे पाएंगे। और अभी जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, किनके लिए बना रहा हूँ, 2021-22 जो अभी 12th की परीक्षा पास करेंगे,
अब चॉइसेस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज और सब्जेक्ट आप कैसे चूज करेंगे? जनरली द लैंग्वेजेस सब्जेक्ट चूजन शुड बी द वंस दैट अ स्टूडेंट हैज ऑप्टेड इन द लेटेस्ट क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। आमतौर पर आप जिन भाषाओं का या जिन विषयों का चयन करते हैं वो भाषाएं होंगी जिसको आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। क्लास 12th में जो आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जो भाषा आपके सिलेबस में है और जो सब्जेक्ट्स आपने ऑप्टेड किया है जो विकल्प के रूप में क्लास 12th में, जैसे 12th में आपने लिया है PCM हिंदी इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश संस्कृत, तो ऐसे ही इन्हीं विषयों को आप लेंगे, इसको चूज किया जाना चाहिए। हाउएवर इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड द सेम कैन बी एक्सरसाइज अंडर CUET UG 2022 आल्सो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं कि जैसे आप मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, PCM की आपने पढ़ाई की है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लेकिन अब आप आर्ट्स में जाना चाह रहे हैं, हिंदी साहित्य में आप ऑनर्स कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको एडमिट कर सकते हैं, तो उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर आपको देख सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रिफर टू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन दिस रिगार्ड। इसके लिए आपको अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाकर देखना है कि आप किन किन कोर्सेज में फॉर्म भरने के लिए पात्रता रखते हैं। मोर एवर इफ द सब्जेक्ट टू बी स्टडीड इन द अंडर ग्रेजुएट कोर्स इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट ऑफ द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बींग ऑफर्ड, द कैंडिडेट में चूज द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू हिज हर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल फॉर बायोकेमिस्ट्री द कैंडिडेट में चूज बायोलॉजी। फिर भी यदि आप जिस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, यदि किसी पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वह कोर्स अवेलेबल नहीं है, तब वह लगभग उससे मिलता जुलता कोर्स भी ले सकते हैं। जैसा कि यदि आप बायोकेमिस्ट्री लेना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री उस यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं है जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उससे मिलता जुलता जो कोर्स है बायोलॉजी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, परीक्षा का शेड्यूल क्या होगा? एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन टू शिफ्ट, अलग अलग तारीखों पर यह परीक्षा आयोजित होगी और दो शिफ्ट में आयोजित होगी। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेजेस टेस्ट टेकन बाय देम, मतलब आपने कितने लैंग्वेजेस का चयन किया है, कितने डोमेन में आप परीक्षा दे रहे हैं और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए यह निर्धारित किया जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द NTA CUET UG 2022 ऑफिशियल वेबसाइट। यह वेबसाइट है https://cuet.samarth.ac.in, इसको आप देखते रहें। अवेलेबल फ्रॉम 2/4/2022, 2 अप्रैल 2022 से अवेलेबल है। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, परीक्षा के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, अद्यतन जानकारी के लिए यह वेबसाइट आप देखते रहें। फॉर एनी क्वेरीज और क्लैरिफिकेशन, किसी प्रकार की प्रश्न जिज्ञासा के लिए या स्पष्टीकरण के लिए, कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो कॉल एट द NTA हेल्पलाइन नंबर। NTA हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसका नंबर है 011-4075900 और 011-6922-7700। तो ये हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। राइट टू NTA, यहाँ पर आप ईमेल भी कर सकते हैं cuet-ug@nta.ac.in। तो यह थी पूरी प्रक्रिया। इसके बाद भी यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं, और मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें एडमिशन के लिए मैं लैंग्वेज के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश और हो सकता है संस्कृत का भी, कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को कैसे हल करना है, तो यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।